अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जाकिर अली शेख और आप लोग देख रहे हैं अनकॉमन ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बी फार्मेसी के बारे में, ये कोर्स क्या होता है, बी फार्मेसी कोर्स जो होता है क्या होता है, बी फार्मेसी का मतलब क्या होता है और यहाँ पे किस चीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और अगर आप भी बी फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपको कुछ इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेना होगा, ताकि आप बाद में आपको कोई पछतावा ना हो और कोई ना प्रॉब्लम हो। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का भी। तो दोस्तों, अगर आप भी बी फार्मेसी करना चाहते हैं तो इसके बी फार्मेसी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर जानना होगा, जैसे कि बी फार्मेसी क्या है, इस कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बी फार्मेसी के लिए फीस कितना पड़ता है और एक कोर्स कितने साल का होता है, बी फार्मेसी के बाद में आप क्या कर सकते हैं और सैलरी कितना मिलता है आपको, तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, बी फार्मेसी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी और एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। यहाँ पे मेडिसिन के रिलेटेड स्टडी किया जाता है, जो दवाई तैयार करने में और मरीज को कौन सी दवाई कब देना होगा इसके रिलेटेड स्टडी किया जाता है। जो स्टूडेंट्स 12 में मिनिमम 50% कुल अंकों के साथ जो PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और PCM जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ पास कर ली है, वो स्टूडेंट्स बी फार्मेसी अपना करियर बना सकते हैं। बी फार्मेसी का कोर्स जो होता है वो 4 साल का होता है और 4 साल में आपको 1 सेमेस्टर मिलता है, हर साल में 2 सेमेस्टर, तो लास्ट सेमेस्टर में आपको 3 महीने का इंटर्नशिप भी करना पड़ता है, वो जो मैंडेटरी है। तो दोस्तों, ये कॉलेज फी जो होता है ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस टाइप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। अगर बड़ा कॉलेज हो तो सैलरी फी जो होता है ज़्यादा होगा और अगर छोटा कॉलेज हो तो कॉलेज फी कम होगा। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ अप्लाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इसके अंदर ही पढ़ता है और यहाँ पे कॉलेज फी 2.7 लाख होता है। बी फार्मेसी का जो सैलरी होता है वो हर कंपनी में अलग अलग होता है। अगर आपको अच्छे कंपनी में जॉब मिल जाए तो आपको शुरुआत में 25 से 30 थाउजेंड मिल जाता है और आफ्टर एक्सपीरियंस इट विल बी इंक्रीज अप टू 70 to 80 थाउजेंड और कभी कभी 1 लाख भी हो जाता है।